कृष्ण कंधा पर सुग्रीव को शासक के रूप में स्थापित किया होगा और रावण जैसे बलशाली को मार करके इस धरती को राक्षस विहीन करके फिर वापस अयोध्या आए होंगे। कुल मिलाकर के जो उम्र मैंने बताई है यही है और यही युवा अवस्था है। सेतुबंध का 100 योजन समुद्र में सेतुबंध का निर्माण किया था उस समय, समाज को जोड़कर, वनवासियों को, गिरवासियों को, वंचितों को जोड़ करके उन्होंने काम किया था। याद करिए कृष्ण मथुरा में कंस के अत्याचार से तवा मथुरा को अभय प्रदान करने का काम करते हैं। क्या उम्र थी उन, वो तो युवा भी नहीं हुए थे, किशोर थे। पूरी लीला उन्होंने मथुरा वृंदावन में अपनी रस दी और जैसे ही मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति प्रदान की गुरुकुल चले गए। वापस आए तो यहां शांति से लोग रह सके, फिर द्वारिका चले गए और संकल्प एक ही था कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कुछ भी अपित नहीं, कुछ भी अपने में नहीं। याद करिए जब बुद्ध ने कहा होगा अब दीपो भव, पूरी दुनिया को निर्माण का संदेश देने के लिए क्या करना है, एक पंक्ति में उन्होंने सबको समझा दिया। याद करिए